हेलो हेलो जिला अस्पताल हाँ रुक जाओ बस वहीं का रुको वेरी गुड। सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर धर्मनगरी चित्रकूट आ रहे हैं। प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में लगा है। काम बहुत सारे हैं, कारण बहुत सारे हैं। इस बीच सर किस तरीके का प्रोग्राम है और सीएम सर के आने की यहाँ पे किस तरीके की योजना? माननीय मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पर लगभग 1:15 के आसपास लैंड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कई विकास की योजनाएँ जो हैं उनका लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम उनका है और साथ ही साथ जो विभिन्न हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको 5-5 लाभार्थियों को प्रतीक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृति पत्र अथवा प्रमाण पत्र अपने हाथ से प्रदान करेंगे। सर और कोई कार्यक्रम है क्योंकि जिस तरीके से कार्यक्रम विकास कार्यों को भी समीक्षा वो करेंगे ऐसे में कोई बैठक भी बड़ी होने वाली है? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडली समीक्षा बैठक भी लगा रखी है और वो 4:30 बजे से कलेक्ट्रेट में मंडली समीक्षा बैठक उनके द्वारा की जाएगी। उसकी भी समस्त तैयारियां हम लोगों ने पूर्ण कर ली हैं और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन प्रातः उनका भगवान कामतानाथ जी की परिक्रमा का कार्यक्रम है तो वो समस्त कार्रवाइयाँ सब तैयारियाँ हम लोग अपनी तरफ से पूर्ण की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी प्रांगण में कुछ दूरी पर यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री आएंगे और इसके बाद वो कुछ लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और इसके बाद सीधे वो उस कार्यक्रम में जाएंगे जो बड़ा कार्यक्रम है तुलसी पीठ का और यहाँ पे वो देश और विदेश से आए हुए लोगों से मुलाकात करेंगे और एक बड़ा दौरा है मंडली समीक्षा बैठक। अब देखना होगा कि अधिकारियों से किस तरीके की बातचीत होती है और कैसे पेंच कसे जाते हैं क्योंकि विकास कार्यों से लेकर के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे इस तरीके की बातचीत होती है और कैसे पेंच कसे जाते हैं क्योंकि विकास कार्यों से लेकर के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे मुख्यमंत्री सीधे अधिकारियों से रूबरू होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी दो दिवसीय कार्यक्रम तक यहाँ पे जनपद में आ रहे हैं, कल आ रहे हैं और कल उनके 2-3 प्रोग्राम कल यहाँ पे हैं, कुछ प्रोग्राम कल इनके एमपी में भी हैं और परसों भी एक प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी की जो सुरक्षा की संवेदनशीलता है और जिस तरह का थ्रेट उनको है उसको देखते हुए हम लोगों ने व्यापक प्रबंध किया है। पूरे व्यवस्था में हम लोगों ने 6 एडिशनल एसपी लगाए हैं और करीब 26 के आसपास डिप्टी एसपी लगे हैं, 1000 से ऊपर आरक्षी हेड कांस्टेबल लगाए गए हैं और 5 कंपनी पीएसी हमने लगाया है उनकी सुरक्षा के। जिन जिन स्थानों पर इनके प्रोग्राम हैं सभी जगह बड़ी सतर्कता से ड्यूटी लगाई जाएगी और विशेषकर जो उनका कल परसों जो भ्रमण प्रोग्राम है कामतगिरी परिक्रमा का उसमें जो है फोर्स पूरी परिक्रमा के दौरान हमारा फोर्स लगा रहेगा क्योंकि कुछ क्षेत्र एमपी के पड़ते हैं, कुछ यूपी के पड़ते हैं प्रोग्राम के दौरान। तो हम लोगों की मीटिंग 3 तारीख को एमपी के एसपी और डीएम के साथ हुई थी और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि इनकी कैटेगरी है सुरक्षा का जो थ्रेट है, जो इनको खतरा है उसको दृष्टिगत रखते हुए वो भी अपनी तरफ व्यापक व्यवस्था लगाएंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर चित्रकूट आ रहे हैं और ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार धर्मनगरी चित्रकूट के विकास की बात करते आए हैं और उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड में चित्रकूट के पर्यटन को खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। और ये कार्यक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य अभिषेक करेंगे अपने शिष्य का, उनको उत्तराधिकार सौंपेंगे जय मिश्र जो है उनको, और ये भव्य कार्यक्रम चित्रकूट में होने वाला तुलसी पीठ में। और यहाँ पे देश और विदेश के नामी हस्तियाँ आएंगे, स्वामी रामदेव और जिस तरीके से यहाँ पे और भी जो हस्तियाँ हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के गवर्नर, उनके भी आने की यहाँ पे पूरी सूचना है और तैयारियाँ जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर की गई हैं। ऐसे में तब देखना होगा योगी आदित्यनाथ जब मंडली समीक्षा बैठक करेंगे और चित्रकूट के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे तो वो अधिकारियों के किस तरीके से पेश करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये दौरा काफ़ी अहम होने वाला है, प्रशासन द्वारा तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं, अब देखना होगा कि किस तरीके का आगमन होता है और उनके बाद जाने के बाद क्या कुछ यहाँ पर तस्वीर निकल कर आती है। अनुज हनुमत, चित्रकूट, हिंदी खबर।